इसके साथ जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अक्सर आते थे यहाँ पे जो उस वक्त डीसी होते थे गोरे या मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते थे, घोड़ों पे आते थे या रुकते थे, ठीक है। यहाँ से फिर एक बग्घी तैयार की जाती थी, ठीक है, डोली जिसको कंधे पे कैरी करते थे लोग, दो आगे दो पीछे, उसमें फिर वो मैम साहब को बिठाते थे यहाँ से। यहाँ पे आगे सकेसर का पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा मशहूर, वहाँ से फिर वो सकेसर का पहाड़ डोली के थ्रू उनको पार करवाया, ठीक है। बाकी सारे पैदल होते थे, साहब जो हैं साहब बहादुर वो घोड़े पे होते थे, मैम साहब जो होती थी वो डोली में होती थी, और फिर सकेसर के पहाड़ के उस पार उनको ले के जाते थे। वहाँ भी आगे फिर पूरी वादी है, बड़ी खूबसूरत जगह। उसके अलावा ये था कि जो अगर कोई इलाकाई अफसर है गोरा तो उसकी रिहाइश तो इधर ही होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी सीनियर का विजिट है या किसी दूसरे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का विजिट है तो वो फिर फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे आके जो है वो स्टे करता है। ये डाक बंगला पहले इधर नंबल झील के साथ बनना था, ठीक है, लेकिन उसका ये है कि जब चूँकि बरसाती नाले आते हैं, पहाड़ों का पानी आता है, जब बारिशें आती हैं तो काफ़ी फैल जाता है झील का पानी, ठीक है। इस चीज़ को खातिर में रखते हुए उन्होंने फिर थोड़ा सा इस साइड पर बनाया ताकि इस पानी ना चले। अच्छा, अंडे के लिए होता था और ये पानी पीने के लिए गिलास वगैरह होते थे। जी जी। अच्छा, और ये किस चीज़ के लिए होता था? दूध वाले जग। अच्छा, ये दूध वाले जग है, ठीक। ये नीचे सुराख है, ठीक है, इस सुराख के जरिए से गर्म पानी नीचे डाल देते थे और इससे ये फायदा होता था कि सालन गर्म रहता। पत्थर के मतलब पत्थर ये जो है अच्छा इसमें केकरस रखे जाते थे। जबरदस्त, किस तरह डिजाइन किया ये आप, चैन के कप भी आप देख लें, इसमें चाय पी देते हैं। अच्छा, ई उन्होंने क्या कर खाने नहीं ट्रेन उत्ते देने उन्हें कवर। हाँ, ये किस, हाँ ये देखिए, ये जड़ा मूवी से छान लेते सर, इसमें नमक वगैरह डालते थे और सारी चीजें। गेस्ट आता है उसको चाय पानी खाने का टाइम है, खाना अगर उसने रिहाइश करनी है रिहाइश बगैर किसी मुआवजे के, कोई मुआवजा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं करते, इस सारी चीज़ को मेंटेन करते।